अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के लेक्चर में हम जो है वो एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इनटू रेशियोज एंड रिड्यूस इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। आपने इन क्वांटिटीज़ को रेशियो में राइट करना है, देन जो है वो इनको रिड्यूस करके तो सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे रेशियो में राइट करेंगे, ₹100 रेशियो 250। तो दोनों तरफ जो है वो लास्ट पे ज़ीरो है, सो दोनों वैल्यूज़ को पहले 10 पे डिवाइड कर देंगे। 100 डिवाइडिंग बाय 10 रेशो 250 डिवाइडिंग बाय 10, 10 टेन आर 100 और 10 25 आर 250। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट जाएगा और ये ज़ीरो इस ज़ीरो से। अब एक तरफ 10 है और एक तरफ 25 है, यानी कि एक का लास्ट डिजिट ज़ीरो है और एक का 5 है, तो ये किस पर डिविजिबल होंगे? 5 पे। सो 5 टू ज़ार 10 और 5 ज़ार 25, तो हमारे पास रेशो आ गई है 2:5। ये मज़ीद डिवाइड नहीं होंगे, सो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। सेकेंड पार्ट है 2 किलोग्राम एंड 100 ग्राम्स, तो दोनों का यूनिट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप जो है वो 2 किलोग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, तो बिकॉज 1 किलोग्राम जो है वो होता है 100 ग्राम्स के, सो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ग्राम इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम्स के, सो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 रेशो 800। 2 वन ज़ार 2, 2 ज़ीरो ज़ार 0, 2 ज़ीरो ज़ार 0, 2 ज़ीरो ज़ार 0, सो 2000 रेशो 800। लास्ट पे दोनों के 2 ज़ीरोज़ हैं, सो 100 पे दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। 2000 डिवाइडिंग बाय 100 रेशो 800 डिवाइडिंग बाय 1000, ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो के साथ काट जाएंगे, पीछे वैल्यू रह जाएगी 20। इसी तरह से ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो के साथ काट जाएंगे, तो पीछे क्या रह जाएगा? 8। अब दोनों इवन नंबर हैं, तो इवन नंबर 2 पे डिविजिबल होते हैं, सो 2 10 ज़ार 20, 2 4 ज़ार 8। अगेन 2 पे डिविजिबल है, 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4, तो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 5:2। थर्ड क्वेश्चन है 1 मीटर एंड 500 सेंटीमीटर, तो इनका भी यूनिट सेम नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके यूनिट्स को सेम करेंगे। 500 सेंटीमीटर एज इट इज़ आ जाएगा, तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 वन्स आर 100 रेशो 500। दोनों के लास्ट पे 2 2 ज़ीरोज़ हैं, सो दोनों तरफ आप 100 पे डिवाइड कर दें, 100 वन्स आर 100 रेशो 100 फाइव ज़ार 500, सो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 1:5। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 1 ईयर एंड 240 डेज, तो इनके भी यूनिट्स को सेम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 365 रेशो 240, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 365 एज इट इज़, 365 वन्स आर 365 रेशो 240। तो एक का लास्ट डिजिट 5 है और एक का 0 है, तो दोनों को किस पे डिवाइड कर देंगे? 5 पे। अब यहाँ पे 365 को जब आप 5 पे डिवाइड करेंगे, तो 5 7 ज़ार 35, 1 कैरी चला जाएगा 15, 5 3 ज़ार 15 रेशो 5 4 ज़ार 20, 4 कैरी चला जाएगा 40 हो जाएगा, 5 8 ज़ार 40, सो यहाँ पे आ गया है 73:48। लास्ट है फिफ्थ पार्ट है, हमारे पास आ जाएगा 1 डे रेशो 1 वीक 15 डे, तो 1 वीक को डेज में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा डेज में, रेशो 15 डेज, तो ये आ जाएगा 1 डे रेशो 7 वन्स आर 7 डेज रेशो 15 डेज। तो ये तीनों नंबर किसी भी एक नंबर पे डिविजिबल नहीं है, सो हमारे पास यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी।